हाय गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी। मैं से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है। आज मैं इंडियन आइडल जो सीज़न 12 है, जो सीज़न 12 है 2020 के, जो ऑडिशंस हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। 25 जुलाई को ऑडिशन स्टार्ट हो चुके हैं। सो गाइज, आप सब रेडी रहो। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है इंडियन आइडल के ऊपर, बट मैं ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसमें जो जो पॉइंट्स हैं जो आपको समझ आने चाहिए जो ऑडिशन फॉर्म है उनका, तो उसके हिसाब से मैंने ये सारी डिटेल्स बनाई हैं। और ज़रूर आपको इस चीज़ से फ़ायदा होगा अगर आप ये वीडियो मेरी पूरी देखोगे। जब आप सोनी लिव ऐप पर जाओगे तो आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडियन आइडल की। ये वो शो है जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड सिंगर्स को मौका देता है आगे आने के लिए, और अगर आप में टैलेंट है तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। और सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर में, जो आपके फ़ोन में जो प्ले स्टोर होगा वहाँ पर आपने डाउनलोड करना है सोनी लिव ऐप। जी हाँ, सोनी लिव ऐप वहाँ पर टाइप करोगे तो वहाँ लिव ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना। और कौन कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैं एज का बता देता हूँ, 14 साल से लेकर 30 साल तक। ये जो फाइनल फाइनल रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 14 साल से लेकर 30 साल तक के अगर आपकी एज है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक, जी हाँ 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इसमें। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एज रिक्वायरमेंट जो इन्होंने रखी है वो 14 साल से लेकर 30 साल तक की है, और जो जो फॉर्म जो सबमिट करने की डेट्स हैं वो 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक की हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सोनी लिव ऐप आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद जाना है आपने एक, जब ओपन हो जाएगी ना आपकी सोनी लिव ऐप तो दूसरी या तीसरी ऑप्शन होगी, वहाँ पे लिखा होगा इंडियन आइडल ऑडिशंस, ठीक है। तो वहाँ पे आपने क्लिक करना है, सेंटर में लगा लो, वो आपकी ऑप्शन होगी तो उस पर आपको क्लिक करना है। वो फ़ोटो बनी होगी जजेस की तो आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका जो जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगी, आपका मोबाइल नंबर वो मांगेंगे, ठीक है। तो आपने वो मोबाइल नंबर वहाँ पे अपना सबमिट करना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऑप्शन आएगी मोबाइल नंबर जब भरने के बाद कि आगे आप कंटिन्यू करने के लिए ना एक ओटीपी की ऑप्शन आ जाएगी, आपके मोबाइल में ओटीपी आएगा और वो आपने को वहाँ पे भरना होगा। अगर तो ऑटोमेटिक वो ओटीपी चला गया तो ठीक है, नहीं तो आप मैनुअली वहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने अपने आप ही वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आएगी स्टेट और सिटी की, कि आप किस स्टेट के हो और किस सिटी के हो। सबसे पहले आप स्टेट चुनोगे कि आप जिस भी स्टेट के हो, चाहे अगर आप पंजाब के हो या महाराष्ट्र के हो या किसी भी स्टेट में रहते हो, तो वो आप स्टेट चुनोगे। उसके बाद आप सिटी चुनोगे, ठीक है। तो उसके बाद आएगा ऑप्शन आएगी, मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ बैक स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्या क्या ऑप्शंस आएंगी। उसके बाद ऑप्शन आएगी फॉर्म आपने इंग्लिश में भरना है या हिंदी में भरना है, ठीक है। तो आप इंग्लिश भी चुन सकते हो, आप हिंदी भी चुन सकते हो, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आपको क्या सही लगता है। इंग्लिश चुन लेना, थोड़ा ईजी हो जाएगा भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉलम आएगा कि उसके बाद चार ऑप्शंस आएंगी, बॉक्स बने होंगे, आपने उन चारों को टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद फॉर्म खुल जाएगा, और जब फॉर्म खुलेगा तो वहाँ पे आपने सबसे पहले आएगा नेम कि आपका नाम क्या है वो भरोगे, डेट ऑफ बर्थ भरोगे, जेंडर मेल हो फीमेल हो वो भरोगे। उसके बाद आएगा मोबाइल नंबर, अपना जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो भर देना। एक अल्टरनेट नंबर लिखा होगा वहाँ पे कॉलम में, तो अल्टरनेट नंबर में आप अपनी फैमिली में से किसी का भी नंबर भर सकते हो वहाँ पे। ये इसलिए होता है क्योंकि बाय चांस अगर आपका फ़ोन कभी बंद आ जाए तो वो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर पाए, ठीक है। और उसके बाद एक ऑप्शन होगी ईमेल आईडी की, वहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस भरना है अपना, जो आपकी ईमेल आईडी होगी। फिर स्टेट वहाँ पे दोबारा लिखना है, सिटी भी दोबारा लिखना है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगी, अब ये ध्यान से सुनना, जब आप फॉर्म भर दोगे एक ऑप्शन आएगी, इससे पहले आपने कभी किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करा है या नहीं करा, यस और नो की ऑप्शन होगी। अगर आपने नहीं किया तो नो कर देना, अगर आपने कभी पार्टिसिपेट करा था पहले तो आप यस कर देना वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आएगा कि किसी प्रोडक्शन हाउस या किसी बड़े टीवी चैनल
या किसी म्यूज़िक कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो रखा, आप एग्रीमेंट साइन तो नहीं कर रखा आपने? अगर आपने यस लिख दिया तो, अगर आपने किया तो यस कर देना, अगर नहीं किया हो तो वहाँ पे नो कर देना। उसके बाद ये ऑप्शन आएगी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आएगी कि आप ट्रेंड सिंगर हो या अनट्रेंड हो, यानी आपको कुछ एक्सपीरियंस है या फ्रेशर्स हो, ठीक है। तो वहाँ पे येस और नो की ऑप्शन होगी, आपको जैसा ठीक लगेगा आप वैसा टिक कर देना वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप किस लैंग्वेज में गाना गा सकते हैं, यानी आप हिंदी में गाना गा सकते हैं, इंग्लिश में गाना गा सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में गाना गा सकते हैं। आप हिंदी भरना, बिकॉज़ इंडियन आइडल एक हिंदी का शो है, तो आप हिंदी भरना क्योंकि आपने वहाँ पर हिंदी सॉन्ग्स ही गाने हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन आएगी कि आप 18 साल से ऊपर हो तो खुद फॉर्म भर सकते हो, अगर आप 18 साल से नीचे हो तो आपकी फैमिली में से कोई भी पर्सन, बड़ा भाई या बड़ी बहन या फैमिली के पेरेंट्स, आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब आप क्लिक कर दोगे तो वहाँ पे ऑप्शंस आएंगी, नीचे एक बटन बना होगा रिकॉर्ड का, जी हाँ रिकॉर्ड का। अगर आपने डायरेक्टली उनकी ही साइट पे ही रिकॉर्ड करना है तो आप तब भी रिकॉर्ड कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके साथ में एक ऑप्शन होगी जहाँ पे आपने रिकॉर्ड करके अपनी जो फाइल रखी है उसको आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनना, आप एक वीडियो की बजाय दो वीडियोस भेज सकते हो, अलग अलग तरह के स्टाइल में बना के। यानी एक आप किसी, जैसे एक आपने कोई सैड सॉन्ग गा के भेज दिया, या एक कोई आपने बीट सॉन्ग गा के भेज दिया, ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूँ। मतलब कि दो तरह के आप सॉन्ग्स की वीडियोस बना के भेज सकते हो, और वीडियो का जो साइज़ होगा वो कम से कम 90 सेकंड्स होना चाहिए, और 90 सेकंड से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 1.5 मिनट की वीडियो आपने बनानी ही बनानी है। अगर 1.5 मिनट से ऊपर बना दोगे तो वो सबमिट नहीं होगी, 1.5 मिनट के अंदर अंदर बनानी है, और कम से कम 1.5 मिनट की बनानी ही है, ये समझ लो कि 90 सेकंड्स की वीडियो बननी चाहिए, ठीक है। ये इनकी कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि एज इनकी 14 से 30 साल तक रखी है इन्होंने, और ये सबमिशन करने की जो फॉर्म की डेट्स, लास्ट डेट है वो 9 अगस्त तक है। तो आप सबमिट करिए और इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करिए, और हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में बहुत अच्छे सिंगर बन जाएं। मैं ये कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो मेरी आपको मिलती रहे, और आगे भी अपडेट्स जो आएंगी मैं आपको पहुँचाता रहूँगा इस वीडियो के ज़रिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो इंडियन आइडल के प्रति, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।